महाराष्ट्र में अभी भी सस्पेंस पर, अभी सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है, यानी एक तरफ तो शपथ ग्रहण है शाम 4 बजे होना है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर सस्पेंस जरूर गहरा रहा है। हालांकि शिंदे गुट के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद शिंदे को स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जो भी फैसला होगा उसको वो मानेंगे, उससे सहमत रहेंगे। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस अब अगले चेहरे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं पर आस लगाई जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कई ऐसी आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा होता है तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे, पहली बार जब 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर सस्पेंस आज संभावना दिखती है कि खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे शिवसेना समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ किया कि उन्हें प्रधानमंत्री और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। ये भी कहा कि सरकार गठन में कोई अड़चन नहीं है, यानी अब शिंदे ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीर कब तक साफ होने की संभावना दिखती है? हाँ देखिए, मुझे लगता है आज क्योंकि 4 बजे एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं, 5:30 बजे महायुति के तमाम नेता जो है गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठेंगे और फिर तय होगा कि किस पार्टी का जो है मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 133 सीटें हैं, 145 सीटें जो है वो बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से मान के चलिए कि 12 सीटें कम है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अब एहसास है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और सेक्रीफाइस नहीं किएंगे करेंगे इस बात। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेताओं के ये बयान जिस तरीके से आए कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव में गए थे और इतनी बड़ी जीत मिली, उसका बहुत बड़ा रोल जो है एकनाथ शिंदे का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी, महायुति की आज इस बैठक में क्या फैसला होगा, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि और ये देखना होगा कि शिंदे सामने जरूर आए, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा लग रहा है सरेंडर मोड में जरूर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश भी वहां से, मुंबई से मौजूद हैं। दीपेश, क्योंकि उनके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो नहीं बनना चाहेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, केंद्र में जाने की कितनी संभावना या क्या ऐसी भूमिका शिंदे अपना सकते हैं जो सबको मान्य हो, उनके खासतौर के गुट के लोगों को? अर्पिता, देखिए, केंद्र में जाने को लेकर तो शिंदे, एकनाथ शिंदे और शिवसेना की तरह, शिवसेना के जो नेता हैं उनकी तरफ से पहले ही दिन से इस बात को नकारा जा रहा है। हालांकि जो आरपीआई पार्टी है, जो बीजेपी और शिंदे गुट की अलायंस पार्टी है महायुति में, उनके द्वारा जो रामदास आठवले उनके द्वारा कहा गया था कि शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। लेकिन अर्पिता देखिए, शिवसेना जो है वो 2.5 साल पहले ही शिवसेना यूपीटी से अलग हुई, शिवसेना बनी और जिसके अब सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे हैं, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना को और बड़ा बनना है और बड़ी पार्टी बनाना है, वो शिंदे का एक प्रमुख जो एजेंडा है, जो प्लान है वो है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति से फिलहाल तो एकनाथ शिंदे दूर नहीं जाना चाहते, ऐसी जानकारी जो है वो शिवसेना सूत्रों द्वारा मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि अगर केंद्र में जाने की बात आती है तो क्या उस पर एकनाथ शिंदे सहमत होंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनको वो महाराष्ट्र की राजनीति में लाएंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल अभी भी दीपेश गहराते हुए नजर आ रहे हैं। संभावना है कि आज शाम तक बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए।